तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया मूवी को लेकर अभी हाल ही में काफी सारे प्लॉट लीक आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंटमैन 3 के प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी सामने आई हैं। तो इस प्लॉट के हिसाब से एंटमैन 3 मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाएगा जिसमें कैंग और जेनेट को दिखाया जाएगा कि कैसे ये दोनों साथ में कॉन्टेम्परेरी के अंदर फंसे हुए थे और कैसे कैंग अब तक कॉन्टेम्परेरी में ही फंसा हुआ है। और फिर हमें स्कॉट को दिखाया जाएगा कि अब वो एंड गेम के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गया है और अब उसे हर कोई जानने भी लगा है, मतलब कि अब वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुका है। और हमें ये भी दिखाया जाएगा कि एंटमैन ने जो वो 5 साल खो दिया था उससे लेकर वो काफी सैड है क्योंकि वो अपनी बेटी को बड़े होते हुए नहीं देख पाया। अगले कुछ सीन्स के बाद कैसी को दिखाया जाएगा कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो कि कॉन्टेम्परेरी पे बेस्ड है और फिर एंटमैन की पूरी फैमिली कॉन्टेम्परेरी के अंदर चली जाएगी। और फिर हमें मूवी में कॉन्टेम्परेरी को दिखाया जाएगा, मतलब कि इस मूवी में कॉन्टेम्परेरी को और भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाएगा। आगे मूवी में हमें कैंग को दिखाया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि वो कैसे कॉन्टेम्परेरी के अंदर फंसा और अब वो इस क्वांटम रेल से बाहर क्यों जाना चाहता है। इसके बाद वो एंटमैन से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है कि मैं कैंग हूँ और मैंने कई टाइमलाइन में एवेंजर्स को मारा भी है। फिर कैंग एंटमैन से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा और अगर तुमने ये किया तो मैं तुम सबको क्वांटम रेल से बाहर निकाल सकता हूँ। तो एंटमैन कैंग की बात मान लेता है और फिर एंटमैन की पूरी फैमिली और कैंग एक साथ मिलकर मिशन पे निकल लेते हैं। इस मूवी में हमें मॉडोक को भी दिखाया जाएगा जो कि अपने येलो जैकेट ही होने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि मॉडोक इस मूवी के एंडिंग में कैंग को धोखा दे देगा और एंटमैन के साथ आ जाएगा। इस मूवी के एंडिंग में हमें एंटमैन और कैंग के बीच एक फाइट सीन दिखाया जाएगा जिसमें कैंग अपने एंटमैन को बुरी तरह से मारता है और अपने एंटमैन की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। और इसी से लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में एंटमैन मर जाएगा क्योंकि कैंग को पावरफुल दिखाने के लिए मार्वल यहाँ एंटमैन की बलि चढ़ा सकती है। और प्लॉट के हिसाब से इस मूवी के एंडिंग में कैंग अपने मिशन में सक्सेसफुल भी हो जाएगा और वो क्वांटम रियल से बाहर भी निकल जाएगा और एंटमैन को छोड़कर बाकी सब क्वांटम रियल से बाहर निकल जाएंगे और बाद में कैसे एक ऐसी डिवाइस बनाएगी जिससे वो एंटमैन को क्वांटम रियल से बाहर निकाल पाए। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो इसके पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एंटमैन को दिखाया जाएगा कि वो क्वांटम रियल के अंदर फंसा हुआ है और वो वहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो काफी चौंक जाता है। इसके सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग के किसी दूसरे वेरिएंट को दिखाया जाएगा जो कि इस वाले कैंग से एकदम ही अलग होगा और ये जो कैंग है ये हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा क्योंकि ये मूवी कैंग डायनेस्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है इस मूवी में हमें और क्या देखने को मिलेगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। टिल देन गुड बाय।